प्रधान प्रधानी वही करते हैं, उनकी माँ प्रधान है तो उन्हीं को चार्ज दे दी है। वो बहुत मतलब कोई ऐसा सोच यहाँ नहीं था, बस ये था कि फुलम दीदी जो है डकैत थी और उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ा, वो डाकू हुई चंबल की, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बदला लिया, फिर मुलायम सिंह जी ने उनको राजनीति में लाए, वो यहाँ की सांसद हो गई, फिर उनको शेर सिंह राणा ने मार दिया, उसने अपना बदला ले लिया, बस यही सोच है फुलम देवी की। बिल्कुल क्योंकि उनको जैसे मल्ला समाज को बहुत मानते होंगे ना, कम से कम उनके समाज से ऐसा नहीं, नहीं कोई नाम उनके। तो अच्छा फुलम देवी कहीं मूर्ति प्रतिमा है कुछ नहीं, क्या कोई नेता थोड़ी थी, कोई नेता नहीं थी फुलम देवी, हम कह रहे किसी को आप टिकट कीजिए अपराधी को दे दें, बस फुलम देवी का आप ये मान लीजिए कि फुलम देवी का यही था कि हाँ हिम्मती महिला थी, लीडर थी, उन्होंने बदला दिया। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बस यही लोग आप कि फुलम देवी ने यह किया इनके साथ मत तो वो बस आप बोल रहे हैं वो बस है क्या, मैंने एक महिला का एक जिसको बचपन से ही दबाया गया परेशान किया गया, बस वही चीज है लोगों को, फिर आप बोल रहे बस वही चीज है, तो वो क्या वो बड़ी बात नहीं है कि महिला ने, नहीं बहुत बड़ी बात, लेकिन आप कह रहे हैं कि सोच क्या है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि बस यही यही हम कर रहे हैं, मेरी आदत है बस करें, तो बस यही सोच है। आप जब तक बात करेंगे नाम पर नहीं पड़ा था, पड़ा था सपा के नाम, आप बस कर अगर वो किसी और पार्टी से लड़ती तो नहीं जीतती, आप बोल रहे आप बोल रहे सपा के कारण उस समय सपा बहुत लहर सपा की थी, जिस समय बीजेपी की लहर है उस समय सपा मजबूती से खड़ी थी। मैं अच्छा फूलन देवी इस साइड आई थी क्या जब प्रचार उचार कर भ्रमण उनका एरिया ही वही वही का है था। तो उनका ये बनारस में कई बार आई, आप कभी देखे उनको या बनारस में आई छोटे मिर्जापुर में छोटा मिर्जापुर में आई थी छोटे से थे जिसे लड़का है उसे थोड़ा छोटे रहेंगे आई थी मिर्जापुर में क्या कुछ याद है क्या बोली थी क्या देखिए उतना याद नहीं है खाली बस ये हुआ कि फूलन देवी जी आई है तो अपना दौड़ते चले गए एक था जज्बा बचपन से ही मैंने क्या इमेज था एक तो कुछ लोग उनको डकैत की तरह दिखाता है कुछ लोग की बहुत अब एक चीज बता दें डकैत की बात सामाजिक बात हुआ था हम आपने मैं इतिहास का छात्र हूँ हमने ये पढ़ा है कि अगर आप किसी का शोषण करेंगे वो कब तक सहेगा जब तक सहनशीलता उसके अंदर है तब तक सहेगा नहीं फिर सहने वाला नहीं है बदला लेगा जरूर क्योंकि जिन मोहि मारा ते मैं मारे इस विधि पर चलने वाले हम लोग ये निषाद समाज उसी के लिए माननीय फूलन देवी जी ने वो किया जैसे आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे बलात्कार रेप हो रहे हैं अगर वैसे ही फूलन देवी कोई बन जाए तो फिर कोई रेप ना हो कोई बलात्कार ना हो अगर इस धरती पर फूलन देवी अगर रहती तो मुख्यमंत्री से कम नहीं रहती इसलिए मुलायम सिंह ने उनको निकाला एकजुट हो जाता और उसको कहीं डाला मुलायम सिंह खुद गिर जाते इसलिए कि हम लोग मछुआ वाले इतना ज्यादा हम लोग का है कि फूलन देवी को छोड़ के कहीं जाते नहीं अभी तीन जाति में आप लोग बहुत अभी तीन जाति में देखिए तीन जाति में बांटा हुआ है हम लोग तो छोड़िए कहीं भी खली बली में जाते हैं यादव हरजन मुसलमान ये कहीं भी वोट पड़ेगा कोई भी उठेगा 2% भागेंगे इधर नहीं तो हरजन को मायावती है मुलायम सिंह यादव लोग को है और राहुल गांधी का मुसलमान हम लोग को छोड़िए हम लोग तो कहीं भी हम लोग का ना ये है ना ये है ना वो कोई नहीं है वो बनेगा अपने घर पे रहेगा मैंने अगर उनको जैसे षड्यंत्र के तौर पे मार दिया गया अगर वो रहती तो बहुत अच्छा जो रहती तो आज ये जो निषाद समाज के छोटे छोटे नेता है वो बनते ही नहीं पर दूसरी बात है कि नेतृत्व करते हैं अच्छा नेतृत्व क्योंकि देखिए वो भी उन्हीं के नाम पे आज बड़े हुए आज भी उन्हीं के नाम पे बड़े हुए हैं लोग आप इतिहास के विद्यार्थी हैं लेकिन आपको फूलन देवी के ऊपर कभी कोई किताब मिलता है क्या आपको तो ये फूलन देवी के बारे में आपके पास जानकारी कहाँ से आया जी मैं बस जितना जानता हूँ उतना अपनी सोच विचार मैं अभी उनके बारे में किताब नहीं पढ़ा लेकिन जैसे बूढ़ पुरनिया जैसे लोग बताए
उनके द्वारा या फिर कहीं लिखित कभी आ जाता है पेपरों में निकल जाता है उसके द्वारा मैं जानता हूँ। मतलब पूरी जानकारी मुझको उनके बारे में, जैसे कोई पुस्तक पुस्तक होगा भी तो उसको मैं अभी टच नहीं किया। फुलन देवी आई थी ना एक बार यहाँ, उस टाइम पे आप कितने साल के थे? उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, बस ये सब लड़के थे इससे थोड़ा सा और बड़ा बड़ा थे, मगर फिर भी ठीक ठाक थे। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रही थी। बोली कि देखो खाओ चाहे मत खाओ, मगर बच्चों को पढ़ो। बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके सोचने का क्षमता डेवलप होगा। जब क्षमता डेवलप होगा, जब हर घर के बच्चे सोचने लगेंगे तो समाज ऐसे ही डेवलप होगा। अब चक्कर यही ना कि कोई हम लोग के यहाँ सोचता नहीं ना है, जो बस अपने घर तक ही सीमित है उसको समाज से मतलब ही नहीं। यदि कुछ समाज के प्रति गड़बड़ हुआ तो उससे उसको मतलब ही नहीं, वो खाली अपने में ही व्यस्त है, अपने में ही पड़ता है। इसीलिए हम लोग के समाज का पतन होता चला जाता है, ये जागृत नहीं हुआ। फूलन देवी बहुत ही अच्छा जागृत कर रही थी, बहुत ही अच्छा, जगह जगह जाती थी लोगों को जगा रही थी, मगर दुर्भाग्य हम लोग का था उनका इस तरह प्रकार से डेथ हो गया। हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा, मतलब संभवतः हमारे समझ से इसका पूर्ति होना भी हमें तो लग रहा है बड़ा मुश्किल है जो नुकसान हुआ। नहीं तो उनका लोग बात मानते थे, उनको समझ में आता था कि हाँ ये सांसद हैं, ये पावरफुल हैं, ये हमारे समाज की सबसे अग्रज हैं, सबसे हार्ड वर्क की हुई हैं, तो ये जो कह रहे हैं सही कह रही हैं, उनका ही बात मानना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, घर में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके बातों का बहुत प्रभाव पड़ रहा था। अब पूरा समाज एक हो रहा था, मगर अब दुर्भाग्य था हम लोग का कि फिर बिखर गए हैं। उसके मारने के पीछे वजह क्या था, उनको मारने के पीछे? उलन देवी को मारने का पीछा यही था, उनका बैकग्राउंड वाला हिस्ट्री दिखा, वो कौन राणा था, शेर सिंह राणा, वही मारा, कहा कि जो मैं ठाकुरों का बदला ले लिया। मगर समस्या ही बात कहा कि हमको तो लगा जहाँ तक पर्सनल सोच भाई, वो शेर सिंह राणा नहीं था, चक्कर था राजनीति में मुद्दा था। कारण कि मुलायम सिंह को भी लग रहा था कि जैसे एक उलन देवी से तो हम परेशान ही हैं, और जिस तरह से ये कन्विंसिंग कर रही लोगों को अपने जुटा रही हैं, रणवीर एकलव्य सेना बना ली हैं, तमाम तरह का अपन गठन करते हुए चली जा रही हैं, यदि हमसे हटी तो सेकंड मायावती फिर हमारे सामने, फिर हमारा क्या होगा? एकलव्य सेना का क्या हुआ? एकलव्य सेना का गठन तो हुआ था, मगर अब गांव में है, यहां तो है नहीं, गांव में एकलव्य सेना है, मगर कोई मुखिया क्या है क्या नहीं, मतलब उस जिस ढंग से समाज को जोड़कर काम होना चाहिए हम लोग को वो नहीं दिखता जमीन पे। हम लोग का समाज बहुत गड़बड़, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, हम लोग का जब भी सभा हुआ होता कुछ होता है तो हम लोग बोलते हैं इस अवार्ड का विरोध होना चाहिए, द्रोणाचार्य अवार्ड देश में किसी को नहीं मिलना चाहिए। वो गुरु नहीं था, वो गुरु घंटाल था, वो वही होता है जो किसी के बस में नहीं होता, किसी से बंध के नहीं रहता। गुरु के सारे शिष्य एक होते हैं, एक समान होते हैं। गुरु कभी कह ही नहीं सकता कि मैं इससे को सबसे बड़ा बनाऊंगा, वो कुगुरु है, गुरु नहीं है, वो बेकार है। गुरु मतलब अंधेरा, गुरु मतलब प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर जो ले जाए वो गुरु होता है, वो गुरु नहीं था, वो साक्षात अंधेरा था। इसलिए हम लोग गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड का विरोध करते हैं। अर्जुन अवार्ड ठीक है, वो बहादुर थे, बहादुरी का अवार्ड मिल रहा है तो उनमें कोई विरोध नहीं है, मगर गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। कारण कि वो गुरु जो भेदभाव का काम करता हो, एक शिष्य का अंगूठा काट लेता दूसरे शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो गुरु गुरु नहीं। दरअसल ये जो सारी की सारी इतना जातियाँ हैं, इसमें बेसिकली ये सारी की सारी जातियाँ मल्ला कम्युनिटी की हैं, तो मल्ला में आते हैं, आपको घूमर है, बाथम है, गुराह है, इसमें जो है कहार है, कश्यप है, ये सारी की सारी जातियाँ इसी की है। और जैसे इन सब का क्या होता है कि जो नदी के पट्टे होते हैं, तालाब के जो गांव में पट्टे होते हैं, वो सब इन्हीं कम्युनिटी के होते हैं यूपी के अंदर में। कि मल्ला जो है 1836 में मल्ला यहाँ पे क्रिमिनल कास्ट हो जाता है, अंग्रेजों के समय में मल्ला, ये जो है लोचन निषाद थे कानपुर के,
और उन्होंने कानपुर में करीब 200 जो है अंग्रेजों को डुबो के मार दिया था कि आप हमारे देश पे हम हुकूमत कर रहे हैं, हम आपकी शिकार नहीं करेंगे। तो उसके बाद उस पूरी कम्युनिटी को उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल कास्ट कर दिया और आपको सप्ताह में एक बार पूरे परिवार के साथ 4 साल के बच्चे से लेके और तमाम जितने भी आपके यहाँ होते तो आपको 200 फिंगरप्रिंट्स देने होते थे। और ये कानून मल्लाओं ने झेला है, इस पूरी कम्युनिटी ने झेला है 1952 तक। ये बाद में इनको इनको जो है डीनोटिफाइड ट्राइब्स में रखा गया। मल्ला समाज और नोमैडिक ट्राइब को एक साथ रखे थे? हाँ, ये रखे हैं, इसमें TNT में ये रहे हैं। तब हुआ था ये उत्थान है मंदिर का, मुझे लग रहा है ये 1998 में, जब फुलनजी 1996 में पहली बार जो है 96 में सांसद बनी है, उसके बाद ये है। तो ये समाज हमेशा उनको एक कैसे दिखता है फुलन देवी? देखिए, फुलन देवी एक इनकी आइकॉन रही है, फुलन देवी पे ये फख्र करते हैं। अब एक समझिए कि फुलन देवी एक गरीब परिवार में पैदा हुई, मतलब बचपन से भी जो भी कुछ उसके साथ हुआ है वो मुझे ऐसा लग रहा है उस सोसाइटी की किसी की भी लड़की के साथ हो सकता है, लेकिन फुलन देवी ने उसका रिवोल्ट किया। उसका मतलब नहीं होता कि आप एक थोड़ा जज्बे के साथ में चीज़ों को, मतलब आप ये समझिए कि फुलन देवी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत तार्किक नहीं रही होगी, सोसाइटी कभी मिली नहीं फुलन देवी को, एक 11-12 साल की उम्र में पहली शादी हो गई। उसके बाद जो मतलब ठाकुरों का मतलब पुरुष समाज का जिस तरीके से उत्पीड़न फुलन देवी ने झेला है, और उस बीच में मतलब नहीं होता, कई बार आप हमने देखा है बहुत सारी लड़कियाँ इतनी कमजोर हो जाती है कि आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन आप उस जज्बे को सलामत करिए कि फुलन देवी ने वो सारी चीज़ें ना करके जो पूरा का पूरा जो एक नहीं होता कि एक फुलन देवी को जिन चीज़ों से उस समय प्रेरणा आई होगी, मैं नहीं जानता किन चीज़ों से आई होगी, लेकिन उसको मजबूत किया अंदर से, वो बहुत मजबूत लेडी रही होगी। पर ये बातें लोगों की कैसे बात चले, क्योंकि मीडिया तो अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल हुआ क्या है कि जब मानसिंह के साथ में फुलन देवी ने सरेंडर किया 1983 में अर्जुन सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश में जब इन्होंने किया है, तो उसके बाद में दरअसल यहाँ पे एक लीडर हुआ करते थे मनोहर कश्यप, कानपुर के सांसद रहे हैं, वीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, बाद में सपा में आए हुए। तो उन्होंने क्या किया कि वो फुलन देवी के पास जाते हैं जो फुलन देवी जेल में रहती है, और वो जो है 1994 में लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग करते हैं और मल्लाहों के बीच में ये मैसेज देते हैं कि फुलन देवी है, उसकी कहानी वो बताते हैं लोगों के बीच में, और मुलायम सिंह यादव को वो जो है आमंत्रित करते हैं, और मुलायम सिंह यादव से वो 3 डिमांड्स अपनी समय रखते हैं। पहली, बिना शर्त फुलन देवी की रिहाई, दूसरा हमारी इन जातियों को आरक्षण, हमें अनुसूचित जाति में डाला जाए, और उसके सारे उसके परिवार को नौकरी का भी एक सवाल होता है, किसके परिवार को, के लोगों को नौकरी। तो उसमें जो वो कार्यक्रम हुआ था लखनऊ में 94 में जब खुद चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव, तो उन्हें भी इतना अंदाज़ा नहीं था, करीब उसमें 1.5 लाख लोग वहाँ पर पहुँचे थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 94 में जब वो पूरा कार्यक्रम रहा होगा और 1.5 लाख लोगों के सामने वो पूरा का पूरा, और फिर एक मैसेज गया फुलन देवी, नहीं होता कि एक जिज्ञासा लोगों की पैदा होती है आखिर कौन है फुलन देवी। फुलन देवी कोई बहुत अच्छी वक्ता तो थी नहीं, क्या आप कहेंगे फुलन देवी एक अच्छी पॉलिटिशियन थी, ऐसा कुछ तो फुलन देवी के साथ नहीं था, लेकिन फुलन देवी एक महिला थी जिसने मतलब आप समझिए कि मतलब वो ऐसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि उसने क्या किया है, उसे आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पर एक तरीके फुलन देवी जो है मतलब देश से ज़्यादा विदेश में उनकी वो हुई, जब वो पहली बार लोकसभा मेंबर हुई है तो वो कई सारी देश गई है और वहाँ की उनकी सांसदों को उन्होंने संबोधित किया, जापान की, अमेरिका की, सऊदी अरब की, उनकी पिक्चर भी तो इंग्लिश में बन रही है। हाँ, वो सारी चीज़ें मतलब नहीं आ रही है, जैसे क्या है कि मतलब वो मतलब दुनिया की 10 संघर्षशील महिलाओं में उनका स्थान चौथा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में उनको किस नज़रिए से लिया गया। ये बात उन्हें UNO में भी आमंत्रित किया गया, आपको
फुलंदेव भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी वक्ता है या बहुत सारी जानकार है, लेकिन जैसे फुलंदेव का जो फुलंदेव ने जो किया है अब उसे उसका अनुभव कर सकते हैं। अभी आज के डेट में तो समाज जो है मतलब समाज जो है क्या उनके पास उनके बारे फुलंदेव के बारे में जानकारी है? देखिए क्या होता है कि ये वाकई में बहुत दुखद है, अभी जो नई जनरेशन आ रही है उनके साथ में क्या होता है कि हम हर चीज़ को एक सेलिब्रेस तो करते हैं लेकिन हमारी कई तरह की जिज्ञासाएँ खत्म हो जाती हैं। जैसे फुलंदेवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी पड़ी गई है, फिल्में उनके ऊपर हैं, लेकिन नहीं होता कि जैसे कि आप उस जद्दोजहद को कोई समझना ही नहीं चाहता। एक फुलंदेवी थी और फुलंदेवी को ये इज्जत इसलिए मिली क्योंकि एक फुलंदेवी वो फुलंदेवी एक पॉलिटिशियन हो गई, लेकिन उसकी उसकी जो पूरी कहानी है जो उससे प्रेरणा ली जाती है वो पूरी भारत मतलब इस पूरी कम्युनिटी में अपनी ही बची है। आप एक बात और समझिए कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फुलंदेवी की समझ का कि फुलंदेवी सन 2001 में एकलव्य पार्टी का एकलव्य सेना जो अपना राजनीतिक दल बनाती है। समझिए कि मतलब वो फुलंदेवी जो 11 मतलब एक गरीब परिवार में पैदा होती है, 11 साल में शादी हो जाती है, फिर उसके साथ में जो घटनाक्रम शुरू होते हैं और वो जब वो सांसद बनती है उसके बाद उसका राजनीतिक चेतना जो उभरती है। और एक और बड़ी बात आप समझिए, फुलंदेवी वो महिला थी जिसने जेल से निकलने के बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, फुलंदेवी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो बाकी उनको देखने के बाद बाकी लोग उनके समाज के भी ऐसा नहीं, नहीं पूरी कम्युनिटी में उस तरीके से बहुत नहीं हुआ था। तो होता क्या है कि आप एक आपको बड़ा अचंभा होगा जब राम मंदिर अयोध्या में फैजाबाद में जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी बाबरी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जब कार सेवकों में मरने वालों की संख्या थी मल्ला कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके साथ में एक राम का मिथक जुड़ा हुआ है कि आपने राम को पार लगाया था और आप तो राम के खवैया है, तो राम के खवैया है, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है। आज भी जो समाज निषाद समाज से जो लोग बात करते हैं उन्होंने बोलते हैं मैंने राम को पार लगाया। हाँ बुद्ध जी कि ये जो ये अब जैसे क्या है कि उनके अंदर आप यही ये इस चेतना का निर्माण आप समझिए कि उनको उनके अंदर फुलंदेवी की चेतना नहीं है, उनके अंदर मतलब उस निषाद राज की चेतना मौजूद है। वो राम पे गर्व फील कर सकते हैं लेकिन फुलंदेवी पे गर्व फील नहीं करते। वो राम पे गर्व करते हैं कि निषाद राज पे गर्व करते हैं? वो राम राम को पार लगाने पे गर्व फील करते हैं। असलियत में देखिए यही एक चीज़ होती है, क्या होता है कि वहाँ उसी रामायण में और उसी टाइम पीरियड की दो कहानियाँ हैं, जो वो थी सबरी थी वो भी मल्ला ही थी, भाई राम को भूख लगी थी उनके जूते बेर खा लिया आपने, लेकिन सबरी की स्थिति आप एक बात समझिए, एक बार हम लोग बैठे हुए थे वही आंदोलन चल रहा था और डीएम से हम लोगों की वार्ता हो रही थी नाव के जब यहाँ पे ये जेटी लगाई जा रही थी, तो उस समय मिश्रा जी डीएम थे और उन्होंने सवाल किया हम लोगों से कि अरे आप लोग तो हर समस्या का हल निकाल सकते हैं, आप लोगों ने तो राम को भी पार लगाया। मैं उन्हें बोला कि सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? मैं बोला सर हमने राम को पार तो लगाया था लेकिन ये हमारे ये हमसे एक बेहद गलत काम हुआ था। वे बड़े अचंभित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आपने राम को पार लगाया और आपसे गलत काम हो गया हो। मैं बोला सर देखिए राम को पार लगाए, राम सारे युद्ध वुद्ध लड़के सब कुछ आ गए, राम अपने महल चले गए और हम लोग उस नदी के किनारे ही रह गए और हम एजुकेटेड भी नहीं हो पाए, और आज भी हम उसी नदी के किनारे हैं और राम के लोग कहाँ हैं? राम तो सबके हैं। नहीं नहीं राम भाई जो छत्री है या आप जिस कास्ट से उनको आप जोड़ते हैं सारी चीज़ें भारत में जाति यथार्थ है, आप इसको नकार नहीं सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई राम तो ठीक है हम मानते हैं कि राम महल चले गए, लेकिन राम का दायित्व नहीं था कि इन मल्लाओं को जिन्होंने उनको पार लगाया या उस सबरी ने जिसने उनको झूठे बेर खिलाए। तो ये जो चेतना है इसी कारण निषाद समाज भाजपा के इतना पास भी आ गया, मतलब ये पहले से ही मतलब 1990 जैसे भाजपा का जो ग्रो हुआ है। एक चीज़ आप ये देखें ना जैसे कि वो कौन कौन सी जाति है जिनके अंदर हिंदू फीलिंग बहुत ज़्यादा है,
घुमंतु जाति में है बहुत, मतलब नहीं है कि वो, या एक ये समझिए कि इनका व्यवसाय गंगा नदी से है और नदी आस्था का विषय है, गंगा नदी भारत की पूरी, तो एक ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है कि उस मेथोडोलॉजी को इनको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो धर्म, हिंदू धर्म में रह के अपनी चेतना का भी विकास नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? देखिए हिंदू बात हिंदू धर्म की है उसकी नहीं है, जो नहीं है ना कि जैसे आपको मैं फिर वही वो बात कह रहा हूँ कि आप गुरु निषाद पे, निषाद राज पे करेंगे, फुलन देव पे करेंगे, सवाल पर ये बाइनरी क्यों क्रिएट कर रहे हैं? दोनों नहीं हो सकते? नहीं नहीं दोनों नहीं हो सकते। चलिए हम पूरे उनको सारी चीज़ों को मान लेते हैं, अब ये बताइए कि इनके आइकॉन एकलव्य क्यों नहीं हो सकते? यह आप बताइए कि इसी इन्हीं विश्वविद्यालयों में या इन्हीं पूरे के पूरे उसमें आप अर्जुन पुरस्कार देते हैं, आप द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं, एकलव्य के नाम पे आप क्या करते हैं? पर वो बौद्ध धर्म में गई थी, ये बात तो बहुत प्रचलित नहीं हुई। नहीं नहीं ये प्रचलित नहीं हुई, सही कह रहे हैं आप, बौद्ध धर्म में गई थी ये प्रचलित नहीं हुई, लेकिन ऐसे तमाम आर्टिकलों में लिखा गया कि अपनी जो बायोग्राफी उन्होंने खुद लिखवाई थी, जो बैठ के वो लिखवा रही थी, उनमें भी उन्होंने ये बात कही और जेल से निकलने के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था। देखिए एक चीज़ तो आप समझिए, फुलन देवी के अंदर जो चेतना आ रही थी उसके संघर्षों की चेतना थी, आपको फुलन देवी जो मतलब जो सारी चीज़ें फुलन देवी के अंदर हो रही है या फुलन देवी की जो पूरी चीज़ों में जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये संघर्ष तो बाकी लोग भी कर रहे हैं ना किसी न किसी तरीके से, उनके अंदर उससे क्या होता है कि जो फुलन देवी की बात की जो जनरेशन है, इसलिए तो मैं नहीं होता कि पॉलिटिक्स हमारे यहाँ, आपको एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, राजनीति में हमारे यहाँ राजनीति में 98% अनट्रेंड वर्कर हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, और आप ये समझिए कि 90% लोग पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ ऐसे हैं, उनको जाना किसी और दिशा में था वो चले आए पॉलिटिक्स में, और इसका खामियाजा हम सारे लोग भुगतते हैं, मतलब जो राजनीतिक उसके संघर्षों की जो चेतना है फुलन के अंदर। तो आज की डेट में अभी जैसे 25 जुलाई आएगा, फिर स्वतंत्र दिवस मनेगा, फिर उनका मतलब, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे उनकी शादी हुई उमेश सिंह कश्यप ने, और उन्होंने ट्रस्ट बनाया फिल्म सेना के नाम के लिए। देखिए क्या होता है कि उमेश सिंह कश्यप जो है उनसे जेल में मिलने जाते थे, और वो एक मुझे नाम नहीं आ रहा, वो एक दिल्ली पुलिस में कश्यप ही थे, वो फुलन देव को लेकर थोड़ा चिंतित थे, वही मनोहर से मिले थे दिल्ली में ही, जब मनोहर बीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहे। अब होता क्या है कि उनके साथ में उमेद सिंह भी जाते, उमेद सिंह ऐसे रहने वाले हरियाणा के हैं और थोड़े व्यवसायी किस्म के आदमी थे, पैसे वाले आदमी थे, तो इन्होंने फुलन देवी को कुछ जेल में जाके पैसा देना शुरू कर दिया उनको, क्योंकि उनके पास में आर्थिक संघ की बड़ी जबरदस्त, उसमें उनके प्रति उनको एक लगाव हुआ और जेल से निकलने के बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली, तो इस तरीके से उनसे उमेद सिंह कश्यप संघ की शादी हुई फुलन देवी की। पर आज के डेट में उनकी जो माँ और बहन है उनकी स्थिति बहुत खराब है, वैसे ही है, हालत खराब है। मैं उनकी बहन से मिला था रुक्मणी से, जो उनके जो है मौसी की लड़की फुलन देवी जी की, और यहाँ पे प्रगतिशील समाज पार्टी है जिसको प्रेमचंद बिंद जी चलाते हैं, उसकी पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव है, मतलब वो जिसकी तरह से उनका वही कच्चा घर है वो सारी चीज़। आपको एक चीज़ बड़ी ताजुब होगी कि फुलन देवी जिस समय मरी है उस समय उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई थी, और यहीं के सपा सरकार में मंत्री एक रहे हैं कैलाश चौरसिया, वो समय उनके पीए हुआ करते थे फुलन देवी के, और उन पर भी लोग कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने भी काफ़ी हेर फेर उनके साथ, मतलब ऐसा कहा जा सकता है लोगों के मतलब बातचीत में ऐसा आता है सारी चीज़ें। तो उनके पति के पास नहीं गई और सारी? नहीं, पति के पास में संपत्ति उनकी गई है, उनके माँ उस साइड वो नहीं गई है, जैसे वो पति तो कहता है कि मैं उनकी बहन को संपत्ति प्रॉपर्टी दी, मैं उनकी माँ को दिया, वैसा बोलता है, लेकिन अगर हुई होती तो मतलब उनको उसमें उस चीज़ पर उनके मरने के बाद बहुत लंबा केस भी चला है, वो कई सारी, और ये तो आप देखते हैं कि फुलन देवी की जब वो फिल्म उन पर बन रही थी तो उस पर भी बहुत सारा लंबा केस चला है।
फिर उन्होंने पैसे लेके वो छोड़ दिया, ऐसे भी है ऐसा? हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने जयशेखर कपूर से पैसा लिया और मसला उनका जो है समझौता हो गया उन दोनों का। उनका आरोप ये था कि शेखर कपूर ने उस फिल्म में कई ऐसे सीन डाल दिए हैं जो उनके साथ हुए ही नहीं, और क्योंकि वो एक भाई ये बात एक बड़ी थी कि वो एक बड़ी आइकॉन हो चुकी थी बिना परमिशन के भी, और बिना परमिशन के वो सारी चीज़ें की। और लेकिन शेखर कपूर कहते कि नहीं, हमने ये थी ऐसा नहीं किया, हमने जो है ऐसा नहीं किया, और उनकी सहमति से ही सारी चीज़ें हुई है। पर वो एक बार ये भी है कि वो कभी मिले भी नहीं पुलन देवी से। हाँ, ये मिले नहीं, दरअसल उसमें सीमा विश्वास वगैरह तो मिली है पुलन देवी से, और उन्होंने उनके मरने के बाद एक आर्टिकल भी लिखा था सीमा विश्वास ने कि बहुत कोमल हृदय की थी पुलन देवी। मैं आपको सही बताऊँ, मैं तो 2008 के बाद ही सारी चीज़ें जाना, जब मैं BHU में एडमिशन पाया, उससे पहले मेरे अंदर ये सारी चेतना नहीं थी, ये सारी जिज्ञासा नहीं थी। लेकिन जैसा होता है कि जब आप चीज़ें खुलने लगती है तो मुझे भी वाकई में पुलन देवी की वो सारी चीज़ें बेचैन कर लेते हैं कि उनके बारे में मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, आजम खां का, सीमा विश्वास का, उनकी जो है वो जो है उन पर फिल्म थी जो वो देखी, उन पर जो लिखे हुए लोगों के ब्लॉग थे वो देखे, मतलब कैसा रहा होगा। मैं उमेश सिंह से भी मिला हूँ, उमेश सिंह कश्यप से भी मिला हूँ, उनसे भी बातचीत मैंने की, और भी फुलन देवी के साथ में जो उस समय बहुत सारे लोग रहे हैं वो अभी कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस में रह गए हैं, सांसद वो नहीं बने। उन्होंने एक बार बसपा से चुनाव लड़ा था पिछली बार 2014 में शाहजहानपुर से, और इस बार उनको टिकट हुआ था लेकिन उनका टिकट कैंसिल हो गया था, पर्चा रद्द हो गया था उनका। और हम लोग मतलब हमें लगता है कि चुनाव की पॉलिटिक्स भारत में अभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नहीं आ पाई, हम ये मानते हैं। और उसमें आप ये भी समझिए कि जैसे ये जो जातियाँ हैं, अब आप एक चीज़ समझिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बदलते बाजार के दौर में आज भी कुछ जातियाँ ऐसी है भारत में जो वही व्यवसाय कर रही है, जो मतलब जो उनके पता नहीं कब के पुख्ते नहीं व्यवसाय रहे, और वो उस पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं, गर्व फील कर रहे हैं। आप कैसे मतलब नहीं लगता कि आपको, मैं तो मानता हूँ कि मल्लाओं को नाव छोड़ के एजुकेशन पानी चाहिए, लेकिन इससे कितने मल्ला सहमत होंगे इस बात में? पर ले दे के जब वहाँ से भगाए जाएंगे, खदेड़े जाएंगे, यहाँ पे कम से कम अपना नाव है, अपना पानी है, अपना खेत है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे आप एक चीज़ सोचिए कि ठीक है, चलिए मल्ला नाव चला रहे और पूरा आपका गंगोत्री से लेके कलकत्ता तक मल्ला ही नाव चलाता है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं। अब ये समझिए कि ये कम्युनिटी, इसकी चेतना में गंगा क्यों नहीं आई? एक नदी के जीवन बचाने की बात करूँ, या इनके अंदर वो चीज़ क्यों नहीं आई कि ये उस बात पर रिसर्च करते कि नदी की गंदगी हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हमारा कैसे योग हो सकता है? क्या ये संगठित है समुदाय? नहीं, ये समुदाय संगठित नहीं है। और फुलन देवी संगठित करने की कोशिश कर रही है। फुलन देवी के साथ में एक अच्छी चीज़ ये थी कि जब वो सभा करती थी तो ये 10,000 से लेके 1,00,000 तक की भीड़ में ये लोग जुट जाते थे, और वो एक आइकॉन के तौर पे आ रही थी सामने। उसमें भी एक दरअसल घटनाक्रम उसमें माना जाता है, हुआ ये था कि फुलन देवी ने मुलायम सिंह यादव से 80 विधानसभा टिकट मांगे थे, 2002 में विधानसभा चुनाव होना था यूपी, और मुलायम सिंह यादव ने उसको मना कर दिया था। उसी पे लोग कहते हैं कि अमर सिंह से उनकी कुछ बैसा बैसी हुई है वहाँ पे मंच पे, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद में फुलन देवी और फुलन देवी के साथ में आए थे रामविलास पासवान, उनके भाई रामविलास पासवान उनको अपनी बहन मानते हैं, और वो दोनों मिलके, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी उन्होंने उनके मरने के बाद बनाई, वो पहले दोनों लोग साथ में पार्टी बनाना चाहते थे। उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने भी उनको ऑफर किया था, और गांधी मैदान में एक कार्यक्रम किया था जिसमें 2,00,000 के करीब लोग बताते कि भीड़ आई थी उस कार्यक्रम में, उसका मैंने फ़ोटो देखा है, तो भीड़ लगता है कि यहाँ उस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ थी, वो सारी की सारी लोग फुलन देवी को देखने जाते थे कि फुलन देवी है कैसी। पर एक दौर समझिए, आप जैसे लीजिए मिथुन चक्रवर्ती को, वो होता था एक मजदूर होता था, ठाकुर उसकी बहन से बलात्कार करता था, और ये कोई झूठ नहीं था, ये सोसाइटी में मौजूद था। असलियत में जो लोग बदला नहीं ले पाते थे वो फुलन देवी को इसलिए देखने जाते थे कि कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिल जाए,
क्योंकि बिहार में और यूपी में जिस तरीके का सामंत था भी था, आप समझ सकते हैं आज भी है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कासगंज में, अलीगढ़ में दलितों को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हम किस मतलब जो है हम किस समाज में रह रहे हैं। अभी भी ये अगर ये घोड़े पे घुड़चढ़ी करके अपनी शादी करके लेके आना, ये भी आज इशू है समाज के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं। तो आपके हिसाब से क्या सबको धर्म छोड़ देना चाहिए पहले और देखिए अपना आइकन एकलव्य गंदगी को बनाना चाहिए? जैसे क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि ये लोग धर्म छोड़ नहीं पाएंगे, तो फिर धर्म के साथ कैसे ये प्रवाह चले जाता है? कारण है कि जैसे बात ये है कि मुझे वाकई में हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ आपके समझ को विकसित ना करती वो चीज़ें तो छोड़ ही देनी चाहिए। तो इस सोसाइटी के साथ में, पूरी की पूरी सोसाइटी के साथ में, एक राजनीतिक अवेयरनेस नहीं है कि इतना नहीं बढ़ा। तो धर्म के साथ नहीं आ सकते, ये धर्म के साथ नहीं आ सकते। आप एक चीज़ समझिए, मान्यवर कांशीराम की चीज़ें लीजिए आप, अगर कांशीराम साहब धर्म लेके आए होते तो क्या वो चेतना उभार देते हैं लोगों की? आज की डेट में आप जो हरिजन समाज है, दलित समाज है, उनको उनकी चेतना में आप ज़्यादा देखते हैं? हाँ, उनकी चेतना मल्लाओं के जो है वृक्ष जो है राजनीतिक तौर पर ज़्यादा आगे हैं।